गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, येलो कुर्ता से आपको पता चल ही गया होगा कि ये हल्दी का व्लॉग है और आप सभी हल्दी के व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और हम लोग भी वेट कर रहे थे, जैसे कि इन लोगों के डांस से और इन लोगों की मस्ती से आपको पता चल ही रहा होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हल्दी के लिए, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सब लोगों ने बहुत पहले से तैयारी की हुई थी हल्दी के लिए और मुझे पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो व्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पर बस हल्दी की तैयारी हो चुकी थी, हल्दी का डेकोरेशन हम लोगों ने किया था, वो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है, हम लोगों ने घर पे ही ये वाला डेकोरेशन किया था। और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो बैक टू बैक मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ शादी सीरीज़ के, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि हम लोगों ने ये डेकोरेशन कैसा किया था, क्या क्या हुआ था उस दिन, मतलब हल्दी के दिन सुबह क्या क्या हुआ था, वो व्लॉग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस हल्दी के लिए तेल चढ़ाया जाता है, पहले दूल्हे को फिर करोलियन को हल्दी के लिए तेल चढ़ाया जाता है, वो भाभी कर रही है, मतलब दूल्हे की भाभी मेरे बीच वाले भाई की वाइफ, और सबसे पहले स्टार्टिंग उसी ने की, उसके बाद हल्दी लगाई जाती है। तो पांच लेडीज़ ने मिलके पहले तेल चढ़ाया, फिर उसके बाद हल्दी लगाई। तो ये जो बाजू में बैठी है दो करोलिन, तो उनको भी हल्दी लगाई जाएगी। इस साइड में मेरी माही बैठी है, उस साइड में मेरे भाई की बेटी बैठी है, इन दोनों करोलिन को भी हल्दी लगाई जाएगी। तो इसी तरह से सब कुछ होगा, मतलब यहाँ पर ये शगुन होता है हल्दी का। और हल्दी कैसे बनाई हम लोगों ने वो तो आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया है, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो आप। आप पिछला व्लॉग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब मराठियों में कैसी हल्दी होती है, कैसा कुछ, मतलब जो भी ये है फंक्शन होते हैं शादी के, वो कैसे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं हल्दी लगा रही हूँ, फिर मेरी भाभियाँ लगाएंगी, मेरी बड़ी मम्मी लगाएंगी, ये सारी जो उधर बैठी है वो लेडीज़ सब लोग हल्दी लगाएंगी, बट सबसे पहले पाँच लेडीज़ मिलके लगाती है, तो ये घर की ही लेडीज़ मिलके लगाती है हल्दी दूल्हे को, और उसके बाद फिर सब लोग दूल्हे को हल्दी लगाते हैं, सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। तो ये एक दूसरे को हल्दी लगाना ये वो तो सबके साइड में होता ही है, बट थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे साइड में आपको कौन सा डिफरेंट लगा, मतलब कौन सा रीति रिवाज डिफरेंट लगा, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने इससे पहले व्लॉग में आपके साथ देवकुंडी शेयर की है और उसके बाद आपके साथ क्या बोलते हैं जेवनार की पार्टी शेयर की है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, तो ये देख लेना उस व्लॉग में। और बस यहाँ पर ये मेरी मामी है, मामी को तो आपने पिछले व्लॉग में देख लिया है। मैं जैसे जैसे जो जो न्यू है सब्सक्राइबर या जो जो न्यू व्यूवर है उनके लिए बता रही हूँ, और नहीं तो आप बोलोगे कि यार कितने बार मिलवा रहे हो आप अपनी फैमिली से, बट कैसा है कि आप लोग डेली देखते हो बट सब लोग डेली नहीं देखते हैं, तो जो न्यू व्यूवर्स है उनके लिए तो बताना ही पड़ता है। तो इसी वजह से सब लोगों ने यार हल्दी के लिए सब लोगों ने येलो येलो ही पहना था, मतलब जेंट्स ने येलो कुर्ताज पहने थे, लेडीज़ ने येलो कुर्ती और किसी ने साड़ी, किसी ने कुछ ऐसे येलो ही पहना था, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा सा फ़ोटो सेशन भी हुआ हमारा। उसके बाद हल्दी वगैरह लगाने के बाद हम लोगों ने अच्छे से फ़ोटो सेशन किया, उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड किए, मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं, कुछ मतलब कुछ फ़ोटोज़ मैंने कम्युनिटी पे भी डाले हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए हैं। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर दीजिए, आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि मतलब व्लॉग के अलावा क्या क्या हुआ है, तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने स्टोरी पे डाले हैं, कुछ आपको वहाँ पर ही व्लॉग आने से पहले देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी पापा को भी साइड में बिठा दिया है, तो मम्मी पापा को भी साथ में ही हल्दी लगेगी दूल्हे के साथ, तो इसी वजह से ये मेरी बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी मम्मी पापा को हल्दी लगा रही है, और बड़ी मम्मी ना जब भी हल्दी लगाती है बहुत घिस घिस के हल्दी लगाती है, हमारे साइड में ऐसे ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्दी लगाई जाती है, मतलब इससे भी ज़्यादा लगाई जाती है, यूपी वगैरह की साइड में बहुत ज़्यादा हल्दी लगाते हैं, मुझे पता है हमारे साइड में भी वैसे ही, मतलब किस किसी जगह में ऐसे ही होता है, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। और कभी भी शादी वगैरह ये प्रोग्राम होता है तो सब लोग मिलते हैं, मतलब जैसे कि सब रिश्तेदार एक साथ मिलते हैं, तभी मज़ा आता है यार ऐसे मतलब प्रोग्राम में ही तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे डांस करने के लिए और एक दूसरे को हल्दी लगाने के लिए, जैसे ही दूल्हे की हल्दी हुई ना एक दूसरे को हल्दी लगाने लगे और बहुत ज़्यादा मस्ती की हम लोगों ने, बहुत अच्छे से डांस भी किया, बट डांस करने के टाइम पता नहीं किसी ने शूट ही नहीं किया उस टाइम की क्लिप, मतलब आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ,
बट हम लोगों ने बहुत मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर पानी डाला. वो मतलब उस टाइम ना क्या होता है कि कैमरा ख़राब होने का डर लगता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो इसी वजह से सब लोगों ने फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी. यहाँ पर हमें हल्दी लगाई जाएगी. ये है मेरी भाभी जो हमें हल्दी लगा रही है. ये है मेरे बड़े पापा की बेटी की वाइफ, ये हमें हल्दी लगाएगी. और उसके बाद मतलब मेरे बड़े भाई, मतलब जो मेरा बीच वाला भाई है, उसको और उसकी वाइफ को हल्दी लगाई जाएगी. तो ये यहाँ पर भाभी भी वैसे ही घिस रही है हमें हल्दी. बहुत अच्छा ग्लो आया था लेकिन हल्दी का, मतलब हल्दी में हमने जो कुछ भी मिलाया था ना, उससे बहुत ही अच्छा ग्लो आया था. और हल्दी में क्या क्या मिलाया था वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इससे पहले का ब्लॉग. उसमें मैंने हल्दी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है. हल्दी में हम लोगों ने क्या क्या मिलाया था वो रेसिपी आपके साथ शेयर की है. अगर आपके घर में भी कोई शादी है, उसमें हल्दी फंक्शन तो होगा ही, उसके लिए आपको वो काम आएगी रेसिपी. तो आप वो ब्लॉग देख लीजिएगा. और यहाँ पर बस हमें हल्दी लगाई जाएगी, उसके बाद हमारा भी फ़ोटो सेशन होगा. हम एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद दूल्हे के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद सब लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे. ऐसे ही ये जो मेमोरीज़ है वो हमेशा के लिए रहती है. मतलब ये जो एंजॉय है वो भी हमेशा याद रहता है. और उसके बाद जो मेमोरीज़ है फ़ोटो के थ्रू हमेशा याद रहती है. मतलब उस टाइम क्या हुआ था, वीडियोस के थ्रू हमेशा याद रहती है. जो वीडियो शूटिंग भी चल रही थी, जो हम लोगों ने मतलब प्रॉपर जो वीडियो शूटिंग के लिए बुलाए थे उनको, तो वो भी वीडियो शूट कर ही रहे थे साथ साथ में. जब इसके शादी का प्रॉपर वीडियो आएगा ना, जो वीडियो शूट करने वालों ने लिया है, वो वीडियो आने के बाद पक्का मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी वीडियो. जैसे मैंने आपके साथ मेरे बीच वाले भाई का वीडियो शेयर किया था शादी का, वैसे ही मैं आपके साथ इसकी शादी का भी वीडियो शेयर करूँगी. उसका वीडियो मैंने थोड़ा सा ही शेयर किया था, बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. अगर आपको फुल वीडियो उसका भी देखना है तो उसका भी आपके साथ शेयर करूँगी. आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, उतना ज़्यादा मैं सोचूँगी कि हाँ आपको इंटरेस्ट है. नहीं तो क्या होता है कि एक दो कमेंट्स आते हैं उसमें मतलब शेयर करने के लिए भी मन नहीं करता है. एक दो कमेंट्स आप लोग करते हो, उसमें क्या होता है कि एक वीडियो के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. उसको एडिट करना, उसको बनाना, उसके बाद उसको अपलोड करना, उसको एक्सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ऐसा नहीं होता है कि एक ब्लॉग बनाया बस अपलोड कर दिया हो जाएगा. इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. एक वीडियो में आप देखने के लिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बट हमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है. तो इसके लिए आप लाइक भी नहीं करते हो यार, आप लाइक ज़रूर कर दिया करो. मतलब थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से. आप कमेंट करा करो, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब आपको क्या कमी लग रही है ये भी बताया करो. मतलब ऐसा नहीं है कि आप अच्छे अच्छे ही कमेंट कर दिया करो. मतलब आपको थोड़ी सी अगर कमी लगती है कुछ चीज़ों में तो आप वो भी बता सकते हो मुझे. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी हमेशा तारीफ करो. मैं तो यही कहती हूँ कि आप अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप बताओ, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो. मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. और हाँ, सिर्फ नेगेटिविटी मत फैलाओ. मतलब मुझे ना, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके फेस पे स्माइल आए, वैसे ही आप ट्राई करो कि मेरे फेस पे स्माइल आए आपके कमेंट पढ़ के. तो वैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो. मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. मतलब जितना भी मैं कोशिश करती हूँ आपके फेस पे स्माइल लाने की, उतना ही आप भी कोशिश करते हो मेरे फेस में स्माइल देने की. वो तो आपके कमेंट्स पढ़ के ही मेरा दिन बन जाता है, मेरे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है. और ये डांस की पोज दे रहे हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डांस के लिए एक्साइटेड थे सब लोग. और यहाँ पर सब लोग येलो येलो थे, तो वही फोटो सेशन हो रहा है. आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया बस यहाँ पर. इसके बाद फ़ोटो सेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने डांस किया था. उसके बाद ना नानोरा बोलते हैं हमारे साइड में, मतलब दूल्हे को नहलाया जाता है, तो दूल्हे को नहलाया जाएगा उसके बाद, तो वो होगा. और किस किस के साइड में ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे. तो इसके बाद हम लोग नानोरे की तैयारी करेंगे. उसके पहले हम लोग चाय पी रहे हैं. सब कुछ करते करते चाय का टाइम तो हो ही गया था, बस चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग नानोरे की तैयारी करेंगे. बस दूल्हे को नहलाएंगे. और दूल्हे को नहलाते नहलाते ना हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे सब लोग. और आई थिंक सब लोगों को इसी की वजह से मतलब सब लोग बीमार पड़ गए थे, मतलब कोल्डर कफ हो गया था सबको. ये ठंडे पानी की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि बाकी का तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया होगा या कुछ. बट हम लोगों ने जब ये नानोरे के टाइम पर एक दूसरे के ऊपर पानी डाला ना, वही उसी की वजह से हम लोग बीमार पड़ गए होंगे. फीवर नहीं था बट कोल्ड एंड कफ था ना, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी भी मुझे कोल्ड और कफ है. और फिर भी मैं आपके लिए ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो उसके लिए लाइक ज़रूर बनता है यार. करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो. मैं हमेशा बोलती हूँ आप लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बट आप लाइक ही नहीं करते हो.
इस बार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, हमारे साइड के मतलब जो रीति रिवाज है आपको कैसे लग रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर हम सब घर के लेडीज़ मिलके दूल्हे को नहलाएंगे, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो मस्ती की ना, जो एंजॉय किया वो देखने लायक था, बट किसी ने शूट ही नहीं किया पानी के चक्कर में, मतलब पानी कैमरे में ना चला जाए, मोबाइल में ना चला जाए, इसकी वजह से सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल घर के अंदर जाके रख दिए थे ताकि उसमें पानी ना चला जाए, क्योंकि कोई नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे सब। वो सब कुछ जो इसमें छूट गया है, जब प्रॉपर वीडियो आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हमने मस्ती की सब कुछ आपको प्रॉपर वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो दूर से शूट कर ही रहे थे। तो यहाँ पर ये अहर बोलते हैं हमारे साइड में, वो किया जाता है, मतलब कपड़े दिए जाते हैं जिसके घर में शादी है, मतलब जैसे कि हमारे घर में शादी है तो मम्मी पापा को देंगे सब, और दूल्हे को देंगे जो भी नेक दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे कि ये मेरे बीच वाला भाई और उसकी वाइफ है तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए, मम्मी पापा के लिए और दूल्हे के लिए लाया था, तो ये सब कुछ देते हैं हमारे साइड में, उसे अहर बोलते हैं हमारे साइड में। उसके बाद गोंदड़ होता है, तो वो आप आगे देख लीजिए। तो देख लिया आपने गोंदड़ कैसा होता है हमारे साइड में, इस तरह से रीति रिवाज होते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। यहाँ पर मैं लास्ट में आपको जैसे कि बताया था मैंने कि सबसे आखिर में मैंने मेहंदी लगाई थी, और ये मेरी भाभी की बहन मुझे मेहंदी लगा के दे रही है, एक हाथ में उसने लगाई थी, एक हाथ में मेरे फ्रेंड ने लगाई थी, तो वो फ्रेंड जल्दी चली गई थी, नहीं तो आपको उससे भी मिला देती। तो ये वाले हाथ की जो मेहंदी है वो मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, और वो वाले हाथ की मेरी भाभी की बहन लगा रही है। तो ऐसे करके मैंने सबसे लास्ट मेहंदी लगाई थी, और ये फेस पैक लगा के बैठी थी मैं, क्योंकि दूसरे दिन की शादी थी। तो इसके बाद आपको शादी का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए मिलती हूँ शादी के ब्लॉग में डायरेक्ट आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।